नमस्कार 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 मेरे साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल द ट्रैफिक कॉप विवेकानंद तिवारी में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देख सकते हैं आप नॉर्मली चौराहे पे लोग ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, और नॉर्मली हम पूरे चौराहे पे अगर वीडियो अपना कैमरा ऐसे लगा के देखें, इनकी गतिविधियां देखते हैं हम, सबको पता है ट्रैफिक के जो बेसिक रूल्स हैं हर कोई जानता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि वो पालन करने में कतराते हैं और अच्छी आदतों में शामिल नहीं करते ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। अभी आप देख सकते हैं साधारण तौर पे वीडियो पे हेलमेट लगाने का ही देख सकते हैं कि हेलमेट तो बहुत बड़ी बात है। अब सभी चालान कटवाएं, सभी का हो सकता लगाएं, अब चालान जहां काटना जाता है केवल वहीं में लगा के जाते हैं। पूरे देश की यही तरीका है लोगों का, पता है कि इस चौराहे पे चेकिंग चल रही है पुलिस की, तो वहां हेलमेट लगा के ही जाना है। उसके अलावा कहीं भी जाएंगे, मोहल्ले में, गली में या किसी भी दूसरे आम सड़क में चलेंगे तो बिना हेलमेट के चलेंगे। और ये अगर आपकी सोच बन गई है कि केवल पुलिस को दिखाने के लिए हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप दुर्घटना के शिकार होंगे। और दुर्घटना कभी बता के नहीं होती है, एक्सीडेंट देखे कभी आपके साथ होने के पहले बताता नहीं है, सूचना नहीं देता है। साधारण तौर पर अपन देखें यही केवल आप वीडियो कैमरे को आप केवल रोड पे देखिएगा, और रोड पे ही कई लोग करते हैं, आप उनको पहुंच जाना है, कई लोग रॉन्ग साइड से निकलते हैं ज्यादा ओवर स्पीड। चालान कराना संभव नहीं है और सभी का चालान कराना हमारा मकसद भी नहीं है। एक दूसरे को समझाएं लोग, एक दूसरे से बातें करें ट्रैफिक रूल के बारे में, ट्रैफिक रूल के बारे में, और किसान परिवार समाज एक दूसरे से रिश्तेदारी में कभी कोई चर्चा ही नहीं करता, यातायात के नियमों के बारे में कोई चर्चा करना भी नहीं चाहता, इतनी भी जल्दबाजी रहती है वो सड़क पर रहती है। आप इनको देख सकते हैं, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, गर्दन टेढ़ी करके बिस्तर लगा दें यहीं पे, आपका सो जाइएगा यहीं पे, ऐसे गर्दन टेढ़ी कर ली है, ये आम एक आदत पे आ गई है लोगों में, जनरली ये देखा जा रहा है अधिकतर लोगों की ये आदत है। बढ़िया बेहतर तरीके से ऐसे लगता सो जाएंगे यहीं पे। तो हम सुरक्षित हैं। शरीर का कोई भी पार्ट दूसरा भी जुड़ सकता है, कहीं की मांस कहीं लग जाएगी, सिर दूसरा जुड़ पाएगा। हम जानते सब है पर मानते नहीं, बड़ी समस्या है। और केवल ये इस शहर की बात नहीं है, हर जगह की यही स्थिति है कि लोग अपनी आदतों को सुधारना नहीं चाहते। आप कहां कहां इनका जुर्माना करा सकते हैं, मैं कहता हूं अगर यहां पर
चेकिंग लगी हुई है तो यहाँ पुलिस इनको पकड़ के जुर्माना करा सकती है, पर गली मोहल्ले और आम सड़कों पे जिस तरीके से ये चलते हैं, ऐसे इन्होंने हेलमेट लगाया है, इन्होंने कुछ सुरक्षा का भाव अपने आप मन में आया होगा इनके, इन्होंने हेलमेट लगाया है, ये हेलमेट लगाए हुए हैं, तो ये भी एक कम से कम जो अच्छा कर रहा है उसको देख के उसको फॉलो करना चाहिए सभी को। आमतौर पे इस रास्ते पे बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती है, अभी मार्केट का टाइम शुरू नहीं हुआ है और इसलिए इतनी भीड़ नहीं है। ये शहर का मुख्य चौराहा है, शहडोल शहर का मुख्य चौराहा देख रहे हैं आप। मैं केवल एक ही वीडियो पे एक ही बार में बिना ट्रक्स किए बिना पॉकेट टेस्ट किए आपको एकदम हूबहू शहर की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। केवल शहर की तस्वीर, तीन सवारी चलना, मोबाइल पर बात करते चलना, बिना हेलमेट के चलना, ये सब साधारण सी बात है। बहुत होगा तो लोग कहेंगे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं करते तभी तो लोग चलते हैं, कार्रवाई नहीं करेंगे तो केवल और केवल ये डर इनके अंदर नहीं रहेगा। अगर हमसे डर के पुलिस वाले से या ट्रैफिक के स्टाफ से डर के यदि ये नियम का पालन करेंगे तो मुझे ये लगता है कि ये कभी नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। उनके दिल में उनके मन में एक आदत बनानी चाहिए, एक अच्छी आदत हम इनको देख सकते हैं। मोबाइल क्या होंगे, घर किनारे करो, घर किनारे करो, घर किनारे करो, आप वहां टैक्सी में रखे मोबाइल गिर जाए फूट जाए तो क्या होगा, फिर कहिए आपको जब जरूरी बात ही करना है तो आप गाड़ी किनारे करके बात कर सकते हैं ना, पेट भर बात करो यार, जितना बात करना है उसके बाद फिर से गाड़ी चलाओ, आप मोबाइल जेब में रख के फिर गाड़ी चेक करो। क्या ठीक है, आपको पता जुर्माना होता है इसका, मालूम है आपको, मालूम है वीडियो कंपनी हो गया सर अभी तेज तो है हो गया, आप चला रहे थे मोबाइल में बात भी कर रहे थे तो क्या है वो एकदम 100% सही है। अचानक से कोई गाड़ी आ जाए, अचानक कोई तेज रफ्तार से आ रहा है, अचानक से पेट्रोल कर पाओगे ऐसे गर्दन टेढ़ी करके यार सो जाते हो आप लोग, यार नहीं बिस्तर उसको मिलवा दें आपको, क्या तरीका है, नहीं होगा अभी यहाँ से कैसे भूल जाओ कल फिर होगा। आप ही नहीं, यहाँ हर तीसरा चौथा आदमी वाहन चलाने वाला ये गलती कर रहा है, जो ट्रैफिक में चल रहा है हमारा पूरा हर तीसरा चौथा व्यक्ति ये गलती कर रहा है, हर तीसरा चौथा व्यक्ति मोबाइल को ऐसे गर्दन से टेढ़ी करते और बकायदा चला रहे। क्यों अंकल जी, बात सही है कि नहीं, खतरे को मोल लेना चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। कभी एक्सीडेंट आपको बता दे, एक्सीडेंट कभी बताएगा नहीं आपको होने के पहले, बताएगा क्या, आप घर से एकदम भले चंके निकलते हो अपने बच्चों को टाटा वाय वाय करके और वापस ही ना आओ तो क्या स्थिति होगी, ये सोचो परिवार में क्या होगा, बताइए। अक्सर देखा जाता है लोग ट्रैफिक के नियम को बड़े बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, बहुत ज्यादा, कभी भी अगर उनको रोको टोको, उनसे ट्रैफिक के नियम का पालन करने की बात कहो। अभी लड़के जो है तीन सवारी आ रहे थे, उन्होंने मुझे देखा और वापस चले गए, ये भी बहुत बड़ी गलती है। पुलिस की कहीं चेकिंग लगी हुई हो तो आप तीन सवारी चल रहे हो, नाबालिग चल रहे हैं या किसी प्रकार के कोई ट्रैफिक का रूल्स ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, नहीं मान रहे हो नियम को, तो आप इस तरीके से पीछे मत होइए। जैसा अभी आपने देखा ये तीन लड़के जो है चेकिंग देखे और उसके बाद यू टर्न लेके भागे, अगर हो सकता है वहां के पीछे से कोई गाड़ी आ जाए, भारी वाहन आ जाए कोई, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें जान तक जा सकती है, और ऐसा कई जगहों पर हो चुका है। लेकिन या तो आप डरो ही ना, किसी से मत डरो,
नियम का पालन नहीं कर रहे हो तो आप डरो ही भी मत कीजिए। और इस तरीके से तो मत डरिए, तीन सवार ये चल रहे हैं, कोई डर नहीं है। देख रहे हैं क्यों भाई साहब, क्यों मोबाइल में बात कर रहे हैं? अब गाड़ी किनारे करके बात कीजिए, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। बताइए, एक बार बताने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने तो चलिए अपना गाड़ी को किनारे कर लिया है, हमको देखा तो गाड़ी किनारे करके बात कर रहे हैं। उन्होंने जेब में रख लिया, चलो ठीक, कम से कम इतनी बात तो समझ में आती है।